अक्षय कुमार और विद्या बालन अभिनीत फिल्म मिशन मंगल में कॉपीराइट के उल्लंघन का दावा करते हुए एक महिला निर्देशक ने बम्बई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मिशन मंगल को अंतरिक्ष के विषय पर बनने वाली भारत की पहली फिल्म माना जा रहा है। राधा भारद्वाज ने बुधवार को फिल्म के निर्माण और इसके रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। ये फिल्म भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM पर आधारित है। इसे मंगल यान कहा जाता है। इस मिशन की शुरुआत में अभिनेता अक्षय कुमार ने घोषणा की थी कि वो फॉक्स स्टार स्टूडियोज और केप ऑफ गुड होप फिल्म्स के साथ मिलकर मंगल मिशन पर आधारित फिल्म मिशन मंगल का निर्माण करेंगे। फिल्म का निर्देशन जगन शक्ति करेंगे। इसकी शूटिंग इसी महीने शुरू होगी। अक्षय कुमार और विद्या बालन के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू और अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। गौरतलब है कि अपने मुकदमे में भारद्वाज ने दावा किया है कि फिल्म उनकी पटकथा स्पेस MOMs की कॉपीराइट का उल्लंघन करती है। मुकदमे के अनुसार भारद्वाज ने अपनी पटकथा 2016 में निर्माता अतुल कासबेकर को दी थी। कासबेकर की कंपनी ने भारद्वाज के साथ इसकी जानकारी किसी को नहीं देने के बारे में नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट किया है। इसके तहत भारद्वाज की लिखित अनुमति के बगैर वो किसी अन्य को इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि बाद में उन्हें पता चला कि कासबेकर ने ये पटकथा विद्या बालन को दिखाई। इससे नाराज होकर भारद्वाज ने NDA रद्द कर दिया। मामले पर सुनवाई उचित समय पर होने की संभावना है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।